वेक्टर चैप्टर में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है वैसे, अब फिर वर्क डन के अंदर भी आ गया। कैसे? वो कह रहा है एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम वेक्टर फॉर्म में और बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो हमने वेक्टर में किया था कि अगर ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसी भी बॉडी के, तो पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर, आर ए वेक्टर कैसे निकलता है, वन आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। और ऐसे ही आर बी वेक्टर कैसे निकलता है, टू आई कैप जीरो जे कैप माइनस फाइव के कैप। तो आपकी बॉडी कहां से कहां जा रही है, ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, एस वेक्टर। और हमने वेक्टर में बहुत ज्यादा बार, दो चार बार ये क्वेश्चन किया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, तो आर बी वेक्टर पता है, आर ए वेक्टर पता है, माइनस करके एस वेक्टर आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। फोर्स वेक्टर गिवन है, वर्क डन क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर पता है, एस वेक्टर पता है, डॉट प्रोडक्ट हमें आता है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है,